Hello everyone, I'm myself Amit. I welcome you all back to my channel S Create Academy, Educating India in a Lucid Way. And आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री. आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, जिसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वी विल सी. ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपियंस देश इंडिया में आए और क्यों आए, उनका मकसद क्या था आने का. हम वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए और UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके लिए. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर देखते हैं व्हाई डिड दे केम इंडिया. जो यूरोपियंस इंडिया आए, क्यों आए. जैसे कि हमें पता है इंडिया को एक गोल्डन स्पैरो देश कहा जाता था और उद्बिन नाम के एक मुस्लिम राइटर ने इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा था. ठीक है, क्यों उसने ये कहा था, ये भी बोला था कि ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करना एक ड्रीम है सभी कंट्री, सभी देशों के लिए. क्यों, क्योंकि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है जहां पर उस टाइम पर प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा था एज कंपेयर टू कंजम्पशन. ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा था यानी कि प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है तो हम और कंजम्पशन कम हो रहा है तो जितना एक्सरप्लस हुआ वो हमने बाहर के देशों में बेचा और बेचने के बाद प्रॉफिट हमको हुआ. ठीक है, और बदले में देश हमको क्या देते थे, सिर्फ और सिर्फ सोन गोल्ड एंड सिल्वर देते थे. ठीक है, और इसलिए इंडिया में गोल्ड और सिल्वर जमा होता जाता था. ठीक है, फिर क्या हुआ कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से सेल्फ सफिशिएंट था ही इंडिया, जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा था और कंजम्पशन से. फिर यहां पर जो था नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट तो थे नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ही ज्यादा थे जिसको देखकर बाहर के देशों को इंडिया में अट्रैक्शन हुआ. सेकेंड चीज थी मॉनसून, यहाँ का जो मॉनसून वेदर था कि साल में एक बार तो बारिश होनी ही होनी है. ठीक है, तो इसको भी देखकर लोग अट्रैक्ट हुए. एंड तीसरा रीजन था सरप्लस इकोनॉमी. ठीक है, सरप्लस इकोनॉमी जिसमें कि हमने देखा था कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा था एज कंपेयर टू कंजम्पशन, तो जो सरप्लस था वो हम बेच देते थे बाहर के देशों में और वहां से हमें गोल्ड या सिल्वर मिलता था. ठीक है, वो हमको इन रिटर्न में गोल्ड और सिल्वर देते थे और वही गोल्ड सिल्वर इंडिया में जमा होता रहता था. ठीक है, अब फिर क्या हुआ, तो गाइस हमने ये देखा यहाँ पर कि इंडिया में यूरोपियंस क्यों आए. जब उन्होंने देखा कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट देश है जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है कंजम्पशन से और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ज्यादा अबंडेंस में एंड मानसून एक बार बारिश होनी होती है, इसलिए जो आगे के जो देश हैं वो इंडिया की तरफ ट्रेडिंग के लिए अट्रैक्ट हुए. ठीक है, तो वहीं से ट्रेडिंग का इंडिया में स्टार्ट हुआ. अब देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कौन कौन से आए. पहले आए पोर्टुगीज. ठीक है, उसमें सबसे पहले वास्को द गामा जी आए. देन ही रीच द पोर्ट ऑफ कैलकट इन 1498 और उस समय जब वो इंडिया आए उस समय एक राज चल रहा था किंग ज़ैमोरिन एंड ही वाज द हिंदू रूलर ऑफ कैलकट. ठीक है, तो जब ये वास्को द गामा इंडिया आए उस समय किंग ज़ैमोरिन थे रूलर, इन्होंने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और जितने भी इनको बहुत से गिफ्ट दिए इन रिटर्न फॉर्म में बहुत अच्छे गिफ्ट दिए, इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया. और वास्को द इन्होंने देखा कि जब इंडिया ने ये जो सामान लाए थे अपने साथ इन्होंने इंडिया में जब सेल किया उस सामान को तो इनको 60% प्रॉफिट हुआ. ठीक है, 60% प्रॉफिट हुआ जिसकी वजह से जब ये वापस आए तो फिर पोर्टुगीज ने इंडिया में ट्रेडिंग स्टार्ट करी. ठीक है, फिर कहाँ कहाँ सेटलमेंट हुआ इनका, दमन में, सेलसेटे में, सेलसेट चौल एंड बॉम्बे वेस्ट कोस्ट, देन सैंथोम नियर मद्रास एंड एट हुगली, यहाँ पर इन्होंने अपना सेटलमेंट किया. फिर थे अल्फोंसो दी बलबुर्की द सेकेंड गवर्नर ऑफ इंडिया. ठीक है, और फर्स्ट बींग थे फ्रांसिस्को अल्मेडा, 1509 में अराइव हुए एंड इन्होंने गोवा कैप्चर किया 1510 में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थे अल्फोंसो दी अल्बुकर्की जो सेकेंड गवर्नर ऑफ इंडिया थे, 1509 में आए और इन्होंने गोवा को कैप्चर किया 1510 में. ठीक है, फिर ये थे आपके वास्को द गामा जो आए थे इंडिया. ठीक है, हमने देखा उस एडमिन के टाइम पे ये थे हमारे किंग ज़ैमोरिन रूलर जिन्होंने वास्को द गामा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था और ये थे अल्फोंसो दी अल्बुकर्की जो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. ठीक है सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया थे. ठीक है, सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया.
अब देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद जब देखा देखा भाई इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और मानसून अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडिया, तो फिर डचेस भी अट्रैक्ट हुए। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इंडिया फॉर्म हुई थी 1602 में, एंड डच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश। डच इसको इंग्लिश ने डिफीट किया एट बैटल ऑफ पदारा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इन एडी 1759 में। एंड एज पर एग्रीमेंट द डच ने अपना कंट्रोल गेन किया ओवर इंडोनेशिया, एंड ब्रिटिश ने कंट्रोल किया ओवर इंडिया, श्रीलंका एंड मलाया। कहाँ कहाँ सेटलमेंट हुआ इनका? दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसौलीपट्टनम 1605, एंड देयर अदर फैक्ट्रीज वर एट पुलिकट, चिंसूरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत, कारिकाल एंड कसंबी बाजार। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डचेस आए इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करी? मसौलीपट्टनम में इन 1605। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और बैटल ऑफ बदारा भी इंपॉर्टेंट है, और एक कब आए बैटल ऑफ बदारा कब हुआ? 1759 में। किसके बीच हुआ? डचेस एंड इंग्लिश के बीच में हुआ, जिसमें इंग्लिश ने डच को डिफीट किया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1602 में। ठीक है, फिर आए इंग्लिश, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश कंपनी स्टैब्लिश हुई 1599 में अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में चार्टर ग्रांट किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए इंडिया कंपनी फॉर्म हुई कौन 1599 में। जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1603 में। जहांगीर ने परमिशन दी कैप्टन विलियम हॉकिंस को कि वो आकर अपनी फैक्ट्री सूरत में लगा सकते हैं 1613 में। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि किस रूलर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दी, तो वो थे महाराज जहांगीर। ठीक है, इन्होंने सबसे गलती करी, इनको यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी। फिर 1615 में सर थॉमस रोथे एंड सक्सीडेड इन गेटिंग एन इम्पीरियल फरमान टू ट्रेड विद इंडिया एंड स्टैब्लिश फैक्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर बाय रूलर जहांगीर। ठीक है, फिर 16, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछते हैं भी। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए, सारे इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 1690 में आपके आए फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई एट सतनोडी बाय जैप कैरनॉक। ओके, ठीक है, जैप शेरनॉक इन। फिर 1698 में फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ जमींदारी ऑफ थ्री विलेजेस ऑफ सतनोडी, कालिकटा, कालिकाटा एंड गोविंदपुर, द सिटी ऑफ कैलकटा वॉज फॉर्म, एंड फोर्ट विलियम बना सेटअप हुआ था 1700 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1700 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1717 में जॉन सरमान ऑब्टेन्ड अ फरमान फ्रॉम फर्रुख सियार व्हिच गेव अ लार्ज कंसेशंस टू द कंपनी। ठीक है, जिसने लार्ज कंसेशंस दिए कंपनी को, एंड इसी फरमान को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में कि मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, तो 1717 में जॉन सरमान ने एक फरमान ऑब्टेन किया फर्रुख सियार से, और जिसने जिसमें कंपनी को बहुत ज्यादा कंसेशंस दिए, और इसी फरमान को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। देन फिर 1757 में आई आपकी बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें इंग्लिश ने डिफीट किया सिराजुद्दौला को, दैट इज द नवाब ऑफ बंगाल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या थे इसमें, जिसके बीच में हुई थी? इंग्लिश और नवाब ऑफ बंगाल कौन था? सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुई थी। ठीक है, और जिसने इंग्लिश ने डिफीट किया था नवाब ऑफ बंगाल को। देन हुआ सेकेंड आपका बैटल आया बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ कब हुआ? 1764 में। डेट्स भी याद करनी होगी, यूपीपीएससी जो है आपका ये डेट्स भी देता है, तो इसलिए आपको डेट्स याद करना जरूरी है। ठीक है, और भी एग्जाम जैसे एसएससी जेई हो गया, और भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और आपके जो नॉर्मल से जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि जो कंपेरेटिव एसएससी लेवल्स के होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, जिसमें कैप्टन म्यूनरो ने डिफीट किया जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम बंगाल,
शुजाउद्दौला अवध के एंड शाह आलम टू को मुगल के, ठीक है। कैप्टन मुन्नो ने इन तीनों को डिफीट किया किसमें, बैटल ऑफ बक्सर में जो 1764 में हुई थी, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और बैटल ऑफ बक्सर में किसको डिफीट किया था, कैप्टन मुंडो ने डिफीट किया था किस किस को, मीर जॉइंट फोर्सेस थे मीर कासिम के, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू के, ठीक है। और मीर कासिम कहाँ के थे, बंगाल के थे, शुजाउद्दौला अवध के एंड शाह आलम टू मुगल के, ठीक है। फिर आए डेन्स, द डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1616 एंड द डानिश कॉलोनी ट्रैंक्विबार वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द सदर्न कोरमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड सेटलमेंट्स कहाँ का थे, सेरामपुर बंगाल, ट्रैंक्विबार दैट इज इन तमिलनाडु, एंड इन्होंने अपने सेटलमेंट सोल्ड किए किसको, इंग्लिश में, इंग्लिश को इन 1845 में। डेन्स के बाद आए आपके फ्रेंच, देन फ्रेंच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय द कॉलबर्ट अंडर द स्टेट पैट्रोनेज ऑफ 1664 एंड द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रैंकोइस कैरोन इन 1668, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ फैक्ट्री वॉज सेटअप एट मसौलीपट्टनम इन 1669। देन फ्रेंच ने डिफीट वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ वांडी वॉश इन 1760, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश कौन सी थी जिसमें इंग्लिश ने डिफीट किया फ्रेंच को, ठीक है। तो गाइस दिस इज द एंड, ये हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने देखे जो यूरोपियंस ऑफ यूरोपियंस इंडिया में आए, क्यों आए, ये भी हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हम नेक्स्ट सीरीज में आपको बताएंगे और भी फैक्ट फिगर्स लेके आएंगे, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से थे, ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अब टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।